नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हमारी विजिट एक बार फिर राम सिंह सांगवान पाडवान के डेयरी फार्म पर, जो अपने डेयरी फार्म पर जो है अच्छे अच्छे पशुधन, उम्दा पशुधन जो है वो रखते हैं और इसी के लिए जो हो जाने जाते हैं और वो बायर्स के लिए भी अवेलेबल करवाते हैं। तो यहाँ हम 5 मुर्रा भैंसें जो कि शानदार कदकाठी में आपको देखने को मिलेंगी और उसके साथ में एक हीफर भी जो है आपको यहाँ कवर करने को मिलेगी। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और मिलते हैं इनके ऑनर से और जो पशुधन की जानकारी है वो आपसे जो है साझा करते हैं। ताऊजी नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। तो ताऊजी, आप ये जो बायर्स के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं तो इन पशुधन की डिटेल जो है आप व्यूवर्स को दें। तो जैसे हम बफेलो नंबर 1 आपके पास यहाँ देख पा रहे हैं, काफ़ी शानदार पशुधन हम कहेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो ऑर्डर साइज है हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। थनों की बनावट है, बॉडी का जो साइज है, बॉडी का जो कलर है, तो इसकी कुछ जानकारी हमें दें। या जी 30 से 28 हज़ार या 10 दिन की ब्याई होली, 1 तारीख ने ब्याई थी जी, जी। और जिसका 16-17 किलो दूध है, 16-17 लीटर दूध। हाँ, या 10 मदन की होगी जी। हाँ, 10 दिन की जो है डिलीवरी इसकी होगी। तो इसके नीचे काफ कैसा है? कटरा है जी। और इसके नीचे मेल काफ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 10 दिन की है। तो आप ये बायर्स के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं तो आप क्या मिल्क कैपेसिटी जो है इस पशुधन की मानते हैं? या जी कम से कम 20 प्लस कर देगी जी। जी 20 प्लस में जो 20 प्लस आराम से कर दे। क्यों गणा गप्पा मारे, 22 किलो का डे क्यों बेकाम झूठ वाला काम। जी जी, तो आप इसकी क्या प्राइस रेंज रखना? या जी 1,85,000 की बेचनी है, सेल करनी है जी। जी जी, तो ताऊजी के जो कॉन्टेक्ट नंबर है या बाकी जो डिटेल हूँ वीडियो में लगा दूंगा, तो आप ताऊजी से संपर्क कर सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा पहला पशुधन, अब हम इसके साथ अगला पशुधन जो कवर करेंगे, जो कि हम यहाँ देख पाएंगे काफ़ी शानदार है। पुट्ठे की चौड़ाई आप देखें, अडर का साइज आप देखें, सिंगों की बनावट है, थनों की बनावट है, पूंछ का कलर है, आप देख सकते हैं काफी शानदार पशुधन हम कह सकते हैं। तो ताऊ जी इसकी कुछ डिटेल भी आप दें। या जी दूसरा है जी, आज 12-13 दिन की ब्याई वाली, इसके 14 लीटर दूध है जी आज की तारीख में जी, दूसरी बार की। तो आप यहाँ देख सकते हैं 6 दांत है जी, काफी शानदार है, 6 दांत में जो है ताऊ जी ने इसको बताया है। तो ताऊ जी इसके नीचे काफ कैसा होगा? इसका जी कटरा जो दिखा देता हूँ, इसके नीचे आप यहाँ देख सकते हैं मेल का दिखा देखो और देख सकते हैं। तो जो भी इच्छुक बायर है ताऊजी से आप संपर्क कर सकते हैं, शानदार पशुधन है, काफी अच्छी डिटेल बताई है। तो ताऊजी इसको आप किस प्राइस रेंज में जो है अवेलेबल करवाएंगे? इसका जी 13-14 लीटर दूध आज तैयार से, या जी 1,55,000 की सेल करनी। 1,55,000 रुपए जो है बायर्स के लिए जो है ताऊजी ने रखे हैं। तो आप देख सकते हैं शानदार पशुधन। ये था हमारा बफेलो नंबर 2, अब हम बफेलो नंबर 3 कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं आर्डर का साइज है, थनों की बनावट है, काफी शानदार पूछ का कलर, सिंग की बनावट आप देखें, बॉडी स्ट्रक्चर आप देखें। तो ताऊ जी बफेलो नंबर जो 3 है यहाँ, इसकी डिटेल भी आप व्यूअर्स को दें। या जी 30 से 28 हज़ार, इसका 20 किलो आज तैयार पक्का है जी, 20 किलो दूध आज तैयार है। तो इसका आर्डर साइज आपको यहाँ देखते को बनता है और जो मिल्क कैपेसिटी को भी दर्शाता है। तो इसके नीचे काफ कैसा होगा? कटड़ी है जी। इसके नीचे फीमेल काफ है, तो इसको हम एक लॉटरी की तरह जो है समझ सकते हैं। फीमेल काफ यदि कोई पशुधन अपने घर पर तैयार करना चाहिए, अच्छी बल लाइन का अच्छा पशुधन जो है, तो कटड़ी तैयार करने में ज़्यादा जो है समय उसमें नहीं लग पाता। तो ताऊ जी इसकी डिलीवरी कितना दिन की जो हो गई है? या जी 23-24 किलो दूध तो कम को निकल रहा है, 16-17 दिन की ब्याई है जी। जी 16-17 दिन की ब्याई, 20 किलो काफ़ी काट ली है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज जो है 20 प्लस हम इसको कह सकते हैं, 20 kg जो है ताऊ जी ने इसको तैयार बताया। तो जाना आज की बात है, आज पक्का 20 है। बिल्कुल, आगे 25 करेगा, अगले केवल 18 कर रहे, मेरा खुट्टे पर आज पक्का 20 है। बिल्कुल बिल्कुल, ताऊ जी इसी बात के लिए जाने जाते हैं, अपने खुट्टे पर जो है दूध काटे के तौल पर तोल के ही देते हैं और संतुष्ट होने पर ही जो है बाहर यहाँ से खरीद के लेके जाते हैं। तो ताऊ जी इसकी प्राइस रेंज आप क्या रखना चाहेंगे? या जी 1,55,000 की या सेल करें। 1,55,000 रुपए की। तो व्यूअर्स देख सकते हैं अपने लिए जो पसंद करते हैं तो पशुधन आप कवर कर सकते हैं, बाकी हम इसको चला के भी दिखाएंगे। तो ये थी हमारी बफेलो नंबर 3, अब हम कवर करेंगे बफेलो नंबर 4। तो आप यहाँ देख सकते हैं सिंह की बनावट काफ़ी शानदार है, बॉडी स्ट्रक्चर आप देखें, अडर साइज देखें, थनों की बनावट है, पूछ का कलर है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो ताऊ जी इसकी डिटेल भी बताएं जो बफेलो नंबर 4 है। या जी 2 दांत है जी। जी 2 दांत में, तो फेस्ट टाइमर बफेलो जो है ये आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये फेस्ट टाइमर है, 2 दांत में आपने बताई है। तो इसके नीचे काफ कैसा है ताऊ जी? काटड़ा है जी, तो ना है कैसा है, जो गेलडन दूध तो पिलाएड को नहीं जी, जो इसका पुराना मालिक जो रहा है, तो हो सकता है कोई वजह हो, तो आप देख सकते हैं इसके नीचे मेल काफ है। तो ताऊ जी इसकी डिलीवरी आज जो है कितने टाइम इसका हो गया है? या जी मतलब 20-25 दिन की ब्याई होली जी। जी इसका दूध पक्का है जी, 13 किलो चाहे इसको 15 बता दे, तोल का 13 किलो आज की तारीख में पक्का है। बिल्कुल सवा 13 है जी, 100 ग्राम कम नहीं जी। जी
तो 13 प्लस का हम इस पशुधन को कहेंगे जो कि फेस टाइमर है, नीचे मेल काफ है। तो ताऊ जी इसकी जो प्राइस रेंज है वो आप क्या रखते हैं बायर्स के लिए? या जी 1,42,000 की सेल करनी है। 1,42,000, तो आप देख सकते हैं पशुधन जो है अपने लिए आप पसंद कर सकते हैं। तो ये हमारा था पशुधन नंबर 4। इसके साथ साथ हम बफेलो नंबर 5 जो है वो वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ आप देखिए बफेलो नंबर 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ और ब्रेथ हम कहेंगे। पुट्ठे की आप चौड़ाई देखिए, हमारे कंधे से जो है थोड़ी हाइट इसकी ज़्यादा है। पूंछ का कलर आप यहाँ देखें एकदम जेड ब्लैक है। आप सिंगों की बनावट है, चेहरे की बनावट आप देखें, बॉडी स्ट्रक्चर आप देखें, काफ़ी हैवी बफेलो जिसको हम कहेंगे। तो ताऊ जी ये जो बफेलो नंबर 5 है इसकी कुछ डिटेल भी आप दें। ये जी शाम ने आई थी जी 9-10 बजे जी। इन पिछले तो 20 बता दे, कोई 22 बता दे, खारकिन 20 दिया था, फलान गया, दकड़ा गया था जी। लेकिन मैं 2-4 दिन के बाद में इसकी बताऊंगा, मालूम नहीं इसका रह जाए 16-17-18 भी रह गया जी, तो जी। फिर बेकम झूठा पड़ो 5 दिन के बाद में सही। मैं फिलहाल इसका दूध नहीं बता जी, जी, जी। क्यों मैं एक का टाइम सवाई करके लिया था शाम ने, कोई भरोसा नहीं। वो तो खारकी का 20 किलो बोझ रहा था जी, जी। तो लेकिन कल की तारीख में नहीं बोला, 18 आज पक्का है जी। तो 2-4 दिन बाद में इसको जी दूध दाद का इंतजाज आ जाए उस टाइम पर। क्यों जी हेज कर ये दोनों भाण है जी जी। तो यहाँ फीफर आप देख सकते हैं, ये भी जो है इसकी सिस्टर बताई है ताऊ जी ने। तो पूंछ का कलर आप देखें जेड ब्लैक है। सिंह की बनावट देखें काफ़ी शानदार, रिंग सिंह बहुत ही छोटा सिंह हम जिसको कहेंगे। आप बॉडी का कलर देखें जेड ब्लैक है, हाइट देखें काफ़ी शानदार है। सिंगों की बनावट आप देखें बहुत ही छोटी, रिंग सिंह जो हो बनने वाला है। तो बॉडी का स्ट्रक्चर है काफ़ी शानदार है इसकी बहन की तरह, जो कि आपने देखा होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ आप हम यहाँ कह सकते हैं। नीचे कट गया जी, बोल देना। तो ताऊ जी ने बताया इसको ये सेकेंड टाइमर है, आज ही जो है पिछली रात को 11 बजे के आसपास जो है यहाँ डेयरी फार्म पर इनको उतारा है। तो इसकी जो मिल्क कैपेसिटी है वो अच्छी तरह से परखने के बाद ही जो है ये बायर्स के लिए जो है अवेलेबल करवाएंगे। तो ये भी वैसे वायर के लिए है, तो इसकी एक सही मिल्क कैपेसिटी बता पाएं इसके लिए जो है 1 या 2 दिन जो है इसको अपने खुट्टे पर यहाँ जो है इसका दाना चारा करके जो इसका दूध तैयार करने की कोशिश करेंगे, मिल्क कैपेसिटी जानने की कोशिश करेंगे। ये 2 दांत है जी जी, ये 2.5 बिन्ना क्या अगला न्यूकी है क्या बना 2.5 बिन्ना की जी, 2 दांत है की प्रेग्नेंट है ये दोनों बाण है जी। मैं तो दोनों एज आज विक्रम में इकट्ठे ले आया जी जी जी, ठीक है। लेकिन 2-4 दिन बाद में बात करना, ये दोनों एज करें मैं इकट्ठे ले दूंगा, तो इकट्ठे दूंगा ना, मैं दोनों रखूंगा। बिल्कुल सही बात है, ताऊ जी का की बात का अर्थ भी मैं समझ गया कि 1-2 दिन हम यहाँ रखना चाहेंगे और दोनों को एक साथ ही जो है देना चाहेंगे, क्योंकि यदि सेल एक को कर देते हैं और वो उसका लगाव मानती है तो पूरे पीक मिल्क पर जो है हो सकता है वो डिफेक्ट हो जाए। तो दोनों एक साथ ही लेके आए हैं, एक घर से ही एक खुट्टे से ही लेके आए हैं और दोनों एक साथ ही जो है देने का जो है ऊपर रखेंगे। दोनों एक के मां के हैं जी, दोनों बहन हैं जी जी। तो इसकी प्राइस रेंज फिर बाद में जो इसकी मिल्क कैपेसिटी जो बनने वाली उसी के आधार पर है, उसी के आधार पर 18 पर रहेगी 18-20 करे 20 करा जी, क्यों बे काम ने झूठ बोला, काम सही बात जो ताऊ जी ने रखी है।